नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। बांदरी में मध्य प्रदेश शासन की रोजगारोन्मुखी नीति के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए बांदरी में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। आयोजित इस रोजगार मेले में 103 फार्म आए और 55 युवाओं को रोजगार मिला। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने कहा कि मैं मंत्री भूपेंद्र भैया की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में खुरई विधानसभा क्षेत्र में धीरे धीरे बाहर के उद्योग भी आएंगे। उद्योगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा होती है पानी की, जिसकी बीना नदी परियोजना के माध्यम से पर्याप्त आपूर्ति जल्दी ही संभव हो सकेगी। 3 से 4 साल के अंदर खुरई विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के सबसे विकसित और प्रदेश में मॉडल के रूप में बनेगा। मुकेश राय, बांदरी। जो चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले, वर्कर मिले, काम करे। और एक चीज मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं, अब जो बढ़ेगा वो मेहनत की दम पर बढ़ेगा। सरकारी जो हमारे अगर मेहनत कर ले तो धीरे धीरे वो 50% स्थान आराम से हमारी नहीं बड़ी जितनी होगी बढ़ गई, हमारी बिल्कुल नहीं पड़ी जाए थी जो नहीं, मगर उस आदमी ने आज मेहनत करके 100 एकड़ का किसान बना। टमाटर लगाए, जब सीजन ऐसी चीजें लगाई उसने कि उसके बहुत अच्छा मूल्य भी मिला। और मेहनत जब करता है आदमी तो हमें ये पता है कि ईश्वर उसको परमेश खुश भी रखता है। अब आदमी सोचे कि हम दिन भर काम करें और शाम को लगे 200 रुपये, तो कभी वो संपन्नता उसके यहाँ नहीं आ सकती। अगर वो 200 रुपये भी बचाएगा ना, धीरे 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 वो अगर काम करेगा तो आज के समय में भाइयों इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है कि अगर आप चाहो